इग्नोर कर देते हैं वो लोग। मैं बार बार कह रहा हूं, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है, नोटिस आ जाने का मतलब सजा हो जाना नहीं है, नोटिस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नोटिस को पढ़ने की जरूरत है, नोटिस का जवाब देने की जरूरत है, इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। अभी समस्या क्या आ रही है, आपके पास पहला नोटिस आया, आपने पढ़ा ही नहीं। अभी सुबह भी एक व्यक्ति आए अलवर में, कहते मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे आपको नहीं आता, आपके घर में परिवार में कोई तो होगा जो पढ़ता होगा। अगर आप पहले नोटिस को ही रोक लो तो आगे के नोटिस नहीं आएंगे। प्रक्रिया क्या है मैं बताता हूं। पहला नोटिस आता है, बैंक से आता है, आप उसका जवाब नहीं देते, बैंक क्या करता है अगला नोटिस भेजता है वकील के थ्रू, आप उसका भी जवाब नहीं देते, फिर बैंक क्या करता है, फिर बैंक कोर्ट से नोटिस भेजता है, आप उसका भी जवाब नहीं देते, फिर आपके लिए वारंट निकल जाते हैं। वारंट निकलेंगे तो पहली बार जो वारंट निकलेंगे तो वो बेलेबल होंगे, यानी आपको बेल मिल सकती है। अगर आप उसका भी जवाब नहीं देंगे तो नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएंगे, यानी अब आपकी बेल भी नहीं होगी, पुलिस उठा कर ले जाएंगे आपको। और अगर उसका भी जवाब नहीं दिया, पुलिस आ गई और आप कहीं छिप गए, कई लोग बड़ा समझदार बनते हैं, मैं यहां चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा, तो क्या करेंगे, बैंक आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर देगा, पीओ डिक्लेयर कर देगा। और अगर पीओ या भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया तो सोचिए कितनी बुरी हालत होगी आपको, आपके परिवार को सजा मिलेगी, इसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क कर दी जाएगी, कब्जा कर ली जाएगी। ऐसी नौबत क्यों आने देते हो, क्या करो, पहले तो देखो नोटिस है कौन सा। तीन तरह के नोटिस आते हैं मैंने बताया, बैंक का नोटिस, वकील का नोटिस, कोर्ट का नोटिस। अच्छा कैसे पहचानो कौन सा नोटिस है, नाम लिखा होता है ऊपर। अगर बैंक का नोटिस है तो जिस बैंक से आपने लोन लिया होगा उस बैंक का नाम लिखा होगा, यानी वो बैंक का नोटिस है। अगर लिखा है उसमें अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, हिंदी में वकील लिखा होगा, अधिवक्ता लिखा हो सकता है, इंग्लिश में एडवोकेट लिखा हो सकता है, यानी वो वकील का नोटिस है। और अगर लिखा है न्यायालय, सत्र न्यायालय, कोर्ट लिखा है, इंग्लिश में कोर्ट लिखा होता है, जिला अदालत लिखा हो सकता है, लोक अदालत लिखा हो सकता है, अदालत लिखा हो, न्यायालय लिखा हो, कोर्ट लिखा हो, ये कोर्ट का नोटिस है। नोटिस कोई सा भी आए सबके जवाब दे दें। कैसे कैसे देने, बैंक के आए नोटिस का जवाब आप खुद दे सकते हैं बैंक में जाकर के, लेकिन कैसे देना, लिखित में देना, रिटर्न में। बैंक क्या कर रहा है पता है, बैंक एक चालाकी कर रहा है, आपको एक ईएमआई बाउंस होती है, एक नोटिस भेजता है, एक और बाउंस होता है, फिर नोटिस भेजता है, फिर नोटिस भेजता है। वो क्या कर रहा है, वो आपकी फाइल मोटी कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा, जब बैंक कोर्ट में जाएगा वो दिखाएगा हमने 10 नोटिस भेजे थे और आपकी तरफ से एक भी नोटिस का जवाब नहीं आया होगा, तो ये माना जाएगा आप डिफॉल्टर हो। आप क्या करो, बैंक नोटिस भेजते, आप भी नोटिस भेज दो, एक सादे पेपर में लिख करके, ये नोटिस आया था जी मैं ईएमआई नहीं भर पाया। क्यों नहीं भर पाए, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मेरी कमाई का साधन नहीं है। बैंक माने ना माने लिख कर दे दो। अभी क्या होगा, जैसे जैसे आपके लेटर जाते रहेंगे आपकी फाइल भी मोटी हो रही है, आप जज साहब से कह सकते हो, जज साहब मैंने इतने नोटिस भेजे थे बैंक को, मैंने बताया था मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैंने बताया था मैं बच्चों की फीस नहीं पे कर पा रहा, मैंने बताया था मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, बैंक ने मेरी मदद नहीं करी। उस केस में कोर्ट आपकी मदद करेगी। अगर आया वकील का नोटिस, एडवोकेट लिखा है, तो क्या करो, किसी वकील को पकड़ो अपने आसपास के लोकल वकील को, 500 रुपए लेगा लगभग, एक मिनट बता रहा हूं, नोटिस आएगा तो वकील से जवाब देना, वकील के नोटिस का। और अगर आया अदालत का नोटिस तो अदालत के नोटिस पे खुद जाओ, जैसे भाई ने कहा लोक अदालत का नोटिस, कोई सी भी अदालत का नोटिस खुद चले जाओ। हमारा संविधान हम सबको अपनी बात रखने की इजाजत देता है, हमें वकील की जरूरत तो है, लेकिन अगर हम अपनी बात रख सकते हैं तो वकील की जरूरत नहीं। और ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि आपने कोई मर्डर कर दिया, कोई बड़ा काम गुनाह कर दिया कि अब आपके ऊपर सजा होने वाली है, वकील चाहिए। हाँ, किसी की प्रॉपर्टी अगर मोर्टगेज है, उसको अगर डीआरटी में लगाना है केस, तो वकील चाहिए होगा, वो भी बता दूंगा आज कैसे करना है। जिनको नोटिस आए होंगे आज मैं देखूंगा कौन सा नोटिस है और नोटिस वालों से पर्सनली बात करके उन्हें सलाह दूंगा कि इस नोटिस का जवाब ये देना है, ताकि आपको मदद तो मिल पाए। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूं, मैं यही तो कर सकता हूं, मैं सरकार तो हूं नहीं। कई लोग कह रहे हैं मैंने तो जी आपका फॉर्म भर दिया, अब कल से ईएमआई भरनी बंद कर दूं। ओ भैया ऐसा नहीं करना यार, ईएमआई भरते रहो, फॉर्म भी भर दो, सरकार जब माफ करेगी बुला लेगी तुम्हें। और माफी की प्रक्रिया को समझो, लोन माफी कैसे होता है। मानो आपने लोन लिया बैंक से, गाड़ी का लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन, फसल पे लोन, किसी साहूकार से लिया, कहीं से भी पैसा ले लिया, प्राइवेट कंपनी से ले लिया। अब आप बैंक के लिए एक कस्टमर हो या उस व्यक्ति के लिए कस्टमर हो, आपकी स्थिति अच्छी थी तभी तो बैंक ने लोन दिया था, ऐसा तो नहीं ना लोन बिना देखे मिल जाएगा। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न देखी गई होगी, आपकी बैंकिंग देखी गई होगी, आपका सिविल स्कोर देखा गया होगा, तभी लोन मिला है ना। तब आपकी स्थिति अच्छी थी तभी लोन मिल गया, आज आपकी स्थिति हो गई खराब, अब बैंक को सपना आएगा,
बैंक को कैसे पता चलेगा आपकी स्थिति खराब है? आपको बैंक में जाकर अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी। और कब बताना? ईएमआई बाउंस होने से पहले बता। हाँ, कई लोग रिकॉर्ड कर रहे, कर रहे रिकॉर्ड, ये तुम्हारे काम की चीज है। ईएमआई बाउंस होने से पहले बताना। अभी यहां क्या हो रहा है? 3 EMI बाउंस हो गई, 13-2 का नोटिस आ गया, 13-4 का नोटिस आ गया, एनपीए हो गया अकाउंट, सील करने आ रहे हैं, तब जाकर के बैंक को बता रहे हैं। तब क्या फायदा बताने का, तब तो केस हो चुका है। कब बताओ? मान लो तुम्हारी नौकरी छूट गई इस महीने, अगले महीने तुम्हें पता है तुम ईएमआई नहीं भर पाओगे, गाड़ी की हो, घर की हो, बच्चे की एजुकेशन की हो, किसी भी चीज की हो, तो क्या करना है? नौकरी छूटी, तुरंत वो लेटर लेकर के बैंक में चले जाओ, भाई साहब ये मेरी नौकरी निकाल दिया मुझे, इस नौकरी के आधार पर ही तो आपने मुझे लोन दिया था, मेरा क्रेडिट कार्ड इसी के तो आधार पर बना था, अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा, अब क्या करो, अब मुझे विकल्प दो, बैंक से मांगो क्या क्या विकल्प है, क्या क्या विकल्प दे सकता है बैंक। पहला विकल्प बैंक आपको दे सकता है कि आपको ये बोल दे कि आपने 6 महीने तक ईएमआई नहीं भरनी, 6 महीने तक खाली इंटरेस्ट भर दो। अब मान लो आपकी ईएमआई है 50,000 रुपए, तो इंटरेस्ट पता कितना होगा? 5,000 रुपए। अब जो व्यक्ति 50,000 रुपए महीना भर रहा था, 5,000 तो भर ही सकता है ना, 6 महीने का समय मिल गया, 6 महीने में अपनी स्थिति ठीक कर लो, 6 महीने में भी ना हो पाए तो अगले 6 महीने का फिर समय ले लो। आप कहते हो मैं 5,000 भी नहीं भर सकता, नौकरी चली गई। एक व्यक्ति है, अभी उन्होंने बताया कि मेरी दुकान में आग लग गई और 50-60 लाख का माल जल के खाक हो गया। कहते तो मैं तो ईएमआई नहीं भर सकता था, मैंने तो, आपने क्या किया? कह रहे मैं इंश्योरेंस का इंतजार करता रहा, ईएमआई बाउंस होती रही। मैंने कहा यार इंश्योरेंस जब आएगा आएगा, जिस दिन आग लगी थी उसी दिन फोटो लेकर के बैंक में जाना था, बैंक को दिखाना था। कहते अब जा सकते हो? मैंने जाके देखो, बैंक मैनेजर के पास गया कि साहब 2 महीने की ईएमआई बाउंस हो गई है, लेकिन ऐसे ऐसे आग लग गई थी, ये हो गया था, मुझे 6 महीने का समय दो। बैंक ने 6 महीने का तुरंत समय दे दिया, क्योंकि उसको भी पता है अगर ये कोर्ट चला गया तो कोर्ट जज बोलेगा मैं भाई जिसकी दुकान में आग लग गई, सारा माल ही जल करके खाक हो गया, वो ईएमआई कहां से भरेगा यार, समय देना ही पड़ेगा उसको। बैंक ने बोला भाई आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहना, बाकी आप ईएमआई 6 महीने बाद भर देना, आपको 6 महीने का समय मिल सकता है, खाली इंटरेस्ट भर दो। इंटरेस्ट भी नहीं भर सकते तो लीन पीरियड मिल सकता है, जिसमें 6 महीने तक इंटरेस्ट भी नहीं पे करना, वो इंटरेस्ट भी बाद में इकट्ठा हो जाएगा, बाद में दे देना। आप और क्या कर सकते हो? आप अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकते हो। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? आरबीआई कहता है जब आपने लोन लिया तो आपकी स्थिति जैसी भी रही होगी उस आधार पर लोन लिया, आज स्थिति खराब है तो आप क्या करो, लोन को 2 बार रीस्ट्रक्चर कराने का अधिकार है तुम्हें। रीस्ट्रक्चरिंग में यह होता है या तो आप अपनी ईएमआई का अमाउंट बड़ा करा लो कि मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, मैं तो 50,000 नहीं 2 लाख रुपए महीना दूंगा, मैं जल्दी से केस खत्म करूंगा। दूसरा, ईएमआई को कम करा दो और टाइम बढ़वा लो। मानो आपका लोन चल रहा है घर का 20 साल का, ईएमआई जा रही है 30,000 रुपए महीना, आपके साथ कोई दिक्कत आ गई, नौकरी छूट गई, व्यापार बंद हो गया, काम कम हो गया, आप बोलो मैं ईएमआई 10,000 रुपए भर सकता हूं जी, मेरा ड्यूरेशन जो 20 साल का है वो 30 साल का कर दो। अभी क्या होगा? समय बढ़ गया लेकिन आपकी ईएमआई कम हो गई, आपकी प्रॉपर्टी कब्जा नहीं होगी। और कहना नहीं चाहिए, पता नहीं कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बैंकिंग में जो काम करते हैं, बैंक के लोग जेन्युइनली लुटेरे हो गए इस समय, वो इंसान की दुख दर्द परेशानी नहीं देख रहे। अभी जालो वहां मैडम आई ना अलवर में, उसके जो लेडी है जिसके नाम लोन है उसी को कैंसर हो गया और उसके इलाज में 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए उसके व्यक्ति के। बैंक कह रहा हम नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो ईएमआई चाहिए। अरे भाई वो बिस्तर पे है, ईएमआई चाहिए। कई व्यक्ति ऐसे एक्सपायर कर गया, बंदा एक्सपायर कर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी महाराष्ट्र में गया, छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची और बीवी है उसकी, बंदा एक्सपायर कर गया, वो लेडी का रो रो के बुला हाल है, कहती है सर हमने बैंक से रिक्वेस्ट करी, हम जाएंगे कहाँ, ना इनकी अपने माता पिता से बनती थी, हम लोग अलग रहते थे, हस्बैंड एक्सपायर कर गए। बैंक वालों ने एक नहीं सुनी, तुरंत उसको माँ को और बेटी को घर से निकाला, सील कर दिया घर, और वो सड़क पर रह रही है बेचारी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? कम से कम क्या ऐसे लोगों का लोन माफ हो जाना चाहिए कि नहीं, कि जो एक्सपायरी कर गया यार, कम से इनका तो लोन माफ हो जाए। बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप लाखों करोड़ की राहत दे रहे हो, 12,770 करोड़ रुपए का लोन गौतम अदानी का अंडरराइट कर दिया गया, क्या मतलब जब उनके पास होंगे दे देंगे? भाई ये क्या बात हुई? आम इंसान का कितना लोन है? या जितने भी लोन है मैं लिख कर दे सकता हूं, एक भी व्यक्ति ऐसा ना जिसका 100 करोड़ का लोन है, एक भी नहीं होगा यहाँ। 1 करोड़ वाले भी नहीं मिलेंगे, 2-4 मिल जाएंगे। 50 लाख 1 करोड़ के हो सकते हैं, कई हैं, लेकिन 100 करोड़ वाला नहीं मिलेगा। यहाँ 100, 200, 500 करोड़ लेके भाग जाते हैं लोग, उन्हें कुछ नहीं पकड़ रहे हैं। हमें किसी का 10,000 का, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन है, उसको धमकी दे रहे हैं। अभी 5 लाख का लोन है और घर पे रिकवरी एजेंट आकर के 3-3 घंटा बैठ रहा है, और मैं आपको भी बता रहा हूँ
रिकवरी एजेंट का आपके घर पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर से जब आप वहां नहीं है। अपने अधिकारों को जानो। तुम्हारे अधिकार क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहला अधिकार यह है, रिकवरी एजेंट जब आया आपके यहां पर, फोन आए या बंदा खुद आए, वो बोले जी मैं रिकवरी से बोल रहा हूं, उसको बोला अपना डीआरए का सर्टिफिकेट भेज दे। डीआरए क्या होता है? डेप्थ रिकवरी एजेंट। जो एजेंट बनता है उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कोर्स करना पड़ता है, सरकार का कोर्स होता है, बिना उसके वो डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं लेगा तो रिकवरी नहीं कर सकता। और जिसके पास सर्टिफिकेट वो गाली गलौज नहीं कर सकता। ये गाली गलौज कौन कर रहे? नकली है, ये रिकवरी वाले नहीं है, बदमाश है। अभी रुक जाओ, समझा रहा हूं। और उसके पास आई कार्ड होना जरूरी है, जिस बैंक का है उस बैंक का आई कार्ड होना चाहिए या रिकवरी एजेंसी का आई कार्ड होना चाहिए। प्लस जब आपके घर आया तो विजिट, उसके लिए लेटर लेना जरूरी है कि मेरे घर पे विजिट कर सकता है। मानो आपके बैंक में 50 एम्प्लॉई हैं, 50 से 50 आपके घर आ जाएंगे क्या? किसी को अधिकार नहीं है। आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तुम्हें अपने अधिकार नहीं पता ना। एक बार सख्ती से बोल दो, भाई तू आया, बैंक ने तुझे भेजा ना, हाँ जी सबूत दे, बस एक बार बोलना है। प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है? बुरा मत मानना, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। अकेले अकेले अगर ये लड़ाई लड़ोगे, मैं लिख कर दे सकता हूं, तुम फेल हो जाओगे इस लड़ाई में। संगठित हो जाओ, अभी भी समय। जैसे भाई कह रहा है गाली गलौज करते हैं, ये देखो 150-200 लोग खड़े हो तुम यार, भाई के यहाँ चले जाओ, रिकवरी वाला जैसे आए ये फोन मार दे, ग्रुप में डाल दे, भैया मेरे आ रहे परेशान कर रहे हैं, तुम पहुंच जाओ 250-250, ओए मेरा भाई है, कैसे परेशान किया तूने? अगले दिन हिम्मत नहीं है उसकी, आ जाए वो कहेगा भाई ये तो इकट्ठे हो जाते हैं। अकेले अकेले मत लड़ो, इकट्ठे होकर लड़ो। और इसीलिए मैं तुम्हारे शहर में आया, मेरा आने का पर्पस बता रहा हूं, क्यों आया मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें बता पाऊं कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। हमारी किसी, पहले मैं अपनी बात बता दूं, हमारी किसी नेता, किसी पार्टी, किसी संगठन से लड़ाई नहीं है, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम तो जो जनता की कर्जा माफी की बात करेगा हम उसका साथ देंगे, और जो माफी की बात नहीं करेगा हम उसका साथ नहीं देंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आपको पता है मैंने जंतर मंतर से बोली थी बात, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, मना करने के बावजूद मैंने मना किया था बाहर से ना आए, राजस्थान से भी लोग पहुंचे थे साहब, हैं राजस्थान से भी कितने लोग पहुंचे थे आपके, लोग परेशान है इसलिए पहुंचे थे। वहीं से मैंने कहा था कि देश के सभी सांसदों से भी राय ली जा रही है, आपके जयपुर के सांसद कौन है आगे? हाँ रामचंद्र जी से ही पूछा जा रहा है, भैया आप बताओ जयपुर में जो लोग रहते हैं कर्जे कारण परेशान है, उनका कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो भी राय वो देंगे पूरे जयपुर में पोस्टर लगा के बताएंगे। अगर उन्होंने कहा हम जनता ही कर्जा माफी में उनके साथ हैं तो हम भी साथ देंगे, और उन्होंने कहा नहीं है तो हम भी साथ नहीं देंगे, सिंपल। और ये बात सांसद जी तक पहुंच जानी चाहिए, भैया जनता को आप गुमराह नहीं कर पाओगे। वो करेंगे, वो धर्म के नाम पर लड़ाएंगे, जाति के नाम पर बांटेंगे, तुम्हें अड़े रहना है, हमारा एक ही धर्म है कर्जा, हमारी जाति कौन सी? कर्जे वाले भैया, बस। अगर तुम संगठित हो गए, जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक दूसरे की मदद करने लगे, मेरे बात लिख लेना, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई तुम्हारे साथ गाली गलौज कर दे, बदतमीजी कर दे। समस्या क्या आ रही है? अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कर्जा क्या है? कर्जा एक ऐसी बीमारी है, सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। प्रॉब्लम क्या है? सच्चाई बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई है। अगर किसी रिश्तेदार को पता चल जाए व्यक्ति कर्जे में है तो वो दूरी बना लेते हैं, कोई साथ नहीं देता। ऐसे समय में जो व्यक्ति बहुत दुखी है उसे साथ की जरूरत है, सब साथ छोड़ रहे हैं। मैंने इसलिए तय किया मैं ऐसे सभी लोगों का साथ दूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं तभी सफल हो सकता हूं जब तुम भी अपना साथ दो। अपनी लड़ाई लड़ो, खुद भी फॉर्म भरो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाओ। मैं जयपुर में आ गया, एक जगह आ गया, मैं हर गली मोहल्ले तो नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो ना, तुम अपने गली मोहल्ले में बताओ लोगों को कि भाई ऐसे कर्जा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी से एक रुपया भी नहीं लिया गया, जितने लोग बैठे हैं बताओ एक रुपया भी लिया गया क्या? लिया भी नहीं जाएगा कभी, ना रजिस्ट्रेशन के नाम का, ना फॉर्म भरने के नाम का, ना किसी खर्चे के नाम का, एक रुपया नहीं लूंगा तुमसे। यार लोग ऑलरेडी परेशान है, उनकी परेशानी क्यों बढ़ाए हम भाई? जितना मेरा सामर्थ्य है आना जाना रहना खाना मैं अपनी तरफ से कर लूंगा, मुझे तो लोगों की मदद करनी है, सेवा करनी है, और सबसे एक ही विनती कर रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाओ बस। कर्जा आज है कल उतर जाएगा यार, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, जीवन जो है वो 20-30 साल 50 साल का बचा है, 2-4-5 साल खराब होने के लिए जीवन को बर्बाद मत करो।
अभी सरकार के ये आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्ज के कारण आत्महत्या करी। अब सोचो कैसे बचाऊं मैं उन लोगों को, कैसे वापस लाऊं, आज नहीं तो कल सरकार माफ कर देगी मुझे दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है? क्योंकि संगठित हो गए अब लोग। जब 50,000 थे तो सरकार सुन नहीं रही थी, आज 3,65,000 लोग हैं, अब सरकार हिल रही है। अच्छा कल 1 करोड़ जाएंगे तो क्या होगा? सरकार यहाँ खड़ी होगी, हाँ सरकार तुम्हारे बीच में खड़ी होकर के बोलेगी, हाँ भैया बताओ क्या करना है। आज नहीं तो कल कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन उन परिवारों का क्या जिनके परिवार दुनिया में रहे नहीं। पिछले 1 साल में ही 20,000 से ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या कर लिया। ये दुख नहीं देखा जाता, और ये सरकार के आंकड़े छूटे हैं, इससे ज्यादा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैं दिल्ली की, एक मार्केट है हमारा एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है चांदनी चौक, वहां गया, एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे भाई ने कर्जा लिया 50 लाख रुपए का, कितने इंटरेस्ट पर? 10% मासिक ब्याज पर, यानी हर महीने 5 लाख रुपए देने हैं। और कहते हैं 18 महीने दे चुका था, 18 महीने सोचो, 18 महीने में 5 लाख रुपए महीना तो डबल हो गया ना लगभग, 18 महीने दे दिए, उसके बाद ही 50 लाख मांग रहा था, साहूकार बदतमीजी करने लगा, वो सदमा झेल नहीं पाया, सुसाइड कर लिया। बताओ क्या करें। लेकिन मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, उन साहूकारों को भी ये बात बताना चाहता हूं, साहूकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी, इस समय स्थिति वाकई बहुत खराब है। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, सरकार के एक बड़े अधिकारी ने ये बोला कि सर आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, मेरे साथ एक टूर पर चले जाओ, कहीं पर भी किसी राज्य में मिल लो, आपको लोग बता देंगे। किसी मार्केट में चले जाओ यार, मार्केट में लोगों से पूछ लो, भैया पहले व्यापार कितना था और अब कितना है, कोई भी बता देगा यार। और ये कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, क्या तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है, समस्या है, तभी तो इकट्ठे की, इतना किसके पास समय है यार। और आपके जयपुर में पता कितने लोग जुड़े हुए हैं? 10,000 से ज्यादा लोग जयपुर में जुड़े हुए हैं, 10,000 से ज्यादा। यहां देखो कितने, 200-250 लोग, बाकी क्यों नहीं आ रहे? जो राजीव जी ने कहा शर्म है, एक बड़े व्यापारी आपके यहीं के हैं, अच्छा कारोबार चलता है, 25-30 करोड़ का उनके ऊपर कर्जा है, कहते हैं साहब मैं पब्लिक में आऊंगा ना सबके सामने तो लोग मुझे पहचान जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा मेरी इमेज की मेरे ऊपर कर्जा है, मैं नहीं आना चाहता। हर जगह पर ऐसे लोग, अभी वहां पर भी अलवर में भी एक व्यापारी ऐसे थे, 12-13 करोड़ का कर्जा था, कहते मैं सबके सामने नहीं आऊंगा, अकेले में आ जाओ आपके होटल का खर्चा दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, होटल मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ यार, मैं पब्लिक में क्यों मिल रहा हूँ, ताकि कोई ये ना बोले बंद कमरे में पता नहीं क्या बात करके गया आदमी, मैं तो खुले में बात कर रहा हूँ भाई। और हर राज्य में जा रहा हूँ, अभी उत्तर प्रदेश के दौरे से होकर गया, मुझे किसी पार्टी किसी नेता से मतलब नहीं है, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ वाकई ये बात सही है, तो इस बात को अब घर घर तक पहुंचाने का समय आ गया है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाओ। और डरने का समय नहीं है, चुप रहने का समय नहीं है, छुपने का समय नहीं है, क्योंकि चुप रहोगे डरते रहोगे कल जब बैंक आकर के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगा, जब दुकान दफ्तर सील हो जाएगा तब भी तो दुनिया को पता चल ही जाएगा ना स्थिति खराब है। और इस स्थिति के लिए आप दोषी नहीं हो यार, अपने आप को दोष नहीं देना। और एक और काम जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा रिकवरी एजेंट आते हैं तो उनके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, उनके पास लाइसेंस होना जरूरी है, DRA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, आपके यहाँ विजिट का लेटर होना चाहिए। साथ ही साथ आपने भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्या? जैसे मैंने कहा स्थिति खराब हुई तो बैंक में जाकर के बात करो, बैंक में जब भी बात करो रिटर्न में बात करो। कई लोग कहते हैं बैंक लेटर नहीं लेता, कई जगह शिकायत आ रही है। वैसे तो RBI की रूल है कि अगर आपकी स्थिति खराब है और आप अपने बैंक को बताते हो तो बैंक का अधिकार बनता है कि बैंक आपकी जानकारी ले ले, फिर भी नहीं ले रहा कोई बात नहीं, आपका ये फोन है ना इसको हथियार की तरह इस्तेमाल करो, बैंक में जाओ मैनेजर साहब को वीडियो बनाओ और बोलो मैनेजर साहब लेटर लेके आया हूं, आप ले नहीं रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूं, भाई साहब नौकरी चली जाएगी इसकी। लेटर पे काम करे ना करे लेकिन लेटर लेने के लिए मना नहीं कर सकता हूं, फिर भी क्या कर सकते हो? अगर इतने पर भी ना ले तो आप स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस में जाओ, बैंक मैनेजर के नाम से उसको स्पीड पोस्ट कर दो और उसकी रसीद रख लो अपने पास, रसीद मिलती है ना। जब कोर्ट में जाएगा बैंक, आप दिखाना देखो जी मैं मैनेजर साहब के पास गया था, मेरी स्थिति खराब थी, मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी, मैनेजर साहब ने मानी नहीं, इन्हें कानूनी तरीके से ही दबाओ। और जैसे मैंने कहा EMI को बाउंस मत होने दो। मैं लाइव आया, एक व्यक्ति ने कहा सर मेरी EMI आती है 20,000 की, मेरे पास 15,000 है, क्या करूं? 15,000 ही डाल दो। कौन से अकाउंट में? लोन अकाउंट में। क्योंकि अगर आपने लोन अकाउंट में कुछ भी अमाउंट डाला
तो ये माना जाएगा आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं हो, आप पैसा मारना नहीं चाहते, देना चाहते हो है नहीं। अच्छा आप एक रुपया भी नहीं डालते तो बैंक को समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति पैसा देना नहीं चाहता, अगर देना चाहता होता तो कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो डाल ही देता। तो क्या करना है, अगर ईएमआई के पूरे पैसे ना भी बने थोड़े थोड़े डालते रहो, तब तक मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। आपको पता ही है सरकार को हमने इसी महीने की 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दे दिया है, 30 जून तक का समय है सरकार के पास, और इसीलिए आपके बीच में आया आपको ये बताने, 30 जून 2023 तक अगर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी वित्त मंत्री, जनता की कर्जा माफी के बारे में संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर जनता तय करेगी कि जनता ने उनका क्या करना है। बैठ जाएंगे भैया, हाँ लड़ना पड़ेगा, किसान बैठ गए थे ना, बैठ जाएंगे, आ जाना दिल्ली। और कहां बैठेंगे हम, तो प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठेंगे, बेटा ले जा जेल में ले जा, कम से कम रोटी तो खिलाएगा। और आपको पता होगा अगर व्यक्ति जेल में हो तो उस समय अगर उसकी ईएमआई बाउंस हो जाए तो उस पर केस नहीं हो सकता क्योंकि बंदा खुद ही जेल में है, ये भी बात सरकार को पता, इसलिए वो तुम्हें जेल में डालेंगे भी नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि पता है जेल में है बंदा। कानून को कानून के तरीके से लड़ेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको गाइड भी करूं, मेरी लीगल टीम भी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूं। अभी जिन जिन के नोटिस आए उनसे मैं मुलाकात सबसे पहले करूंगा ताकि उनके नोटिस का जवाब बता पाऊं। एक मिनट रुक जाएगी, सवाल भी लूंगा। और अगर नोटिस अभी नहीं है तो मंगा सकते हो, तो व्हाट्सएप पे भी मंगा लोगे तो मैं कम से कम पढ़ लूंगा, पढ़ के मुझे आइडिया लग जाएगा कि नोटिस आया कहां से है, अदालत का नोटिस है, वकील का नोटिस है, लोक अदालत का है, बैंक का है, जो नोटिस आएगा फिर उस हिसाब से सलाह दे दूंगा आपको। अभी जैसे भाई का सवाल है, हाँ भाई क्या सवाल है तेरा, बैंक पैसा खा जाए तो देखो कैसे खा जाए बताओ। जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी में पैसा लगा रखा था आदित्य बिरला में, तो हमने साल भर तक पैसा जमा कराया 2,20,000 रुपए, उसके बाद हमारी स्थिति खराब हो गई, क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हम जमा नहीं करा पाए, हमारा पैसा डूब गया, हमारे घर पर आ रहे रिकवरी वाले, हम बैंक के अंदर गए तो बोले आपका वो डिफॉल्टर हो गया। देखो ऐसा होता है, अगर आपका एक ही अकाउंट में एक ही बैंक में क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, सर एक बैंक में नहीं है, अकाउंट लेफ्ट कर दिया गया, और आपको इसको जमा कराना था 3 साल तक, आपने साल भर तक जमा कराया 2,20,000 रुपए आपके जीरो हो गए। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपका सेम बैंक में क्रेडिट कार्ड भी चल रहा है, अकाउंट भी चल रहा है, तो वो लिंक कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई पॉलिसी चल रही है और आप उसका टेन्योर पूरा नहीं करते हैं तो वो तो रूल अलग हो गया, हम उस पर बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपने कर्जा लिया, बैंक से लिया, साहूकार से लिया, प्राइवेट फाइनेंसर से लिया, गाड़ी का लोन, एजुकेशन लोन, घर के लिए लोन, और आज लोन नहीं चुका पा रहे, उस पर हम बात करें, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी दिक्कतें हो ही रही हैं, इंश्योरेंस में दिक्कत हो रही है, मिस सेलिंग हो रही है। जैसे मैंने कहा जो व्यक्ति एक्सपायर कर गया उसका लोन इंश्योर्ड होना चाहिए, और अगर इंश्योर्ड है तो उसके बच्चों से सर पे छत ना छीनी जाए, लेकिन बैंक क्या कर रहा है पता है, बैंक उसका क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस कर देता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर देता है, तो ये क्या है, मिस सेलिंग है। तो ऐसे मिस सेलिंग के केस भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मेरा सारा फोकस इस बात पर है कि अगर किसी ने लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पा रहा तो वो क्या क्या हल हो सकता है उसका। बाकी समस्याएं बहुत हैं बैंकिंग सिस्टम में, बहुत सारी चीजें जैसे मैंने कहा गड़बड़ हो रहा है। एक और राज की बात बताता हूं तुम्हें, एक आरटीआई लगाओ अगर लगा सकते हो तो, किसी भी बैंक के, जयपुर का कोई भी बैंक पकड़ लेना, उस बैंक ने पिछले 5 साल में कितनी प्रॉपर्टी ऑक्शन करी है, ये रिकॉर्ड मिल जाएगा, किस किस को ऑक्शन करी है, सुन लो जरा, किस किस को ऑक्शन करी है, कितने में ऑक्शन करी, फिर वो प्रॉपर्टी रीसेल कितने दिन बाद हो गई, तब आपको एक बड़ा नेक्सस मिलेगा कि 90% प्रॉपर्टियां को एक कंपनी या कुछ खास लोग ही ऑक्शन में जीतते हैं, और वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैनेजर और बाकी लोग मिले होते हैं। अभी मैं वेस्ट बंगाल गया, व्यक्ति के ऊपर 6.5 करोड़ का लोन था साहब, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी बैंक ने जब्त कर ली, और 15 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4.5 करोड़ में बेच दिया और 2 करोड़ और आउटस्टैंडिंग निकाल पाया। बाद में जब उसने केस करा तो मैनेजर भी अरेस्ट हुआ, अभी मैनेजर भी जेल में है, बाद में मैनेजर ने कबूल करा कि 2 करोड़ रुपए तो मैंने कमाए इसमें। आम जनता की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए बैंक के साथ मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, उससे भी बचना है, खास करके जिनका प्रॉपर्टी का मॉर्गेज लोन है। वो एक और बात ध्यान रखो, हम गलती क्या करते हैं, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख मान लो, मुझे लोन चाहिए 10 लाख 15 लाख, बाकी मैंने व्यवस्था कर ली, तो मैं 10 लाख का लोन ले लेता हूं, मुझे लगता है मैं समझदार हूं, नहीं समझदार हूं, बेवकूफ हो तुम, जब तुमने 40 लाख व्यवस्था कर ली तो 10 भी कहीं से करते, बैंक में अपनी प्रॉपर्टी नहीं फंसानी थी, और अगर लेना ही है तो बैंक की अपनी प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू 85% 80% तक लोन मिल जाता है ना, मैक्सिमम वैल्यू का लोन लो,
ताकि कल को अगर कहीं प्रॉपर्टी फंस जाएगी, कोई दिक्कत आ जाएगी, तो दुख नहीं होगा कि मेरी 10 लाख रुपए 50 लाख की चीज चली गई। समस्या क्या है, हम अवेयर नहीं है इस बारे में। अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू को करना सीखो, और बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनती है यार आज के जमाने में। बैंक 1 मिनट नहीं लगाता प्रॉपर्टी को सील करने में, ऑक्शन करने में। सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहा, कारण क्या है? तुम देखो ना, थोड़ी देर के लिए तुम बैंक मैनेजर बन जाओ। तुमने लोन लिया है, तुम्हारे कस्टमर ने लोन लिया है 20 लाख रुपए का, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। तुम क्या चाहोगे, सेटलमेंट करना कि डिफॉल्ट हो जाए और मैं 1 करोड़ की कब्जा कर लूं? यही तो कर रहा है बैंक, इसलिए नहीं दे रहा सेटलमेंट। हाँ, जिस केस में प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो और लोन ज्यादा हो जाए तो बैंक खुद बुलाता है, भाई साहब सेटल कर लो यार। क्यों कर लेता है? उनके पास ज्यादा प्रॉपर्टी आ रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी वैल्यू कम है और पैसे ज्यादा गया है। वो भी समझाऊंगा अभी क्या करना है। हाँ, पीएल में कोई दिक्कत नहीं है, कराएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। 3 क्या 4 भी हो जाए, पीएल है ना, प्रॉपर्टी तो कोई मॉर्गेज नहीं है ना। अभी बात कर लेंगे। फॉर्म भर दिया तुमने हमारा? अभी बात करते हैं। आप क्या कहते भैया? नहीं, नोटिस अगर आपके पास आया है और नोटिस आपके घर में, ज्यादातर वो कोरियर से या स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, तो किसी ने साइन कर दिया रिसीविंग हुए तो मान लिया जाएगा रिसीविंग है। आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, मेल पर और व्हाट्सएप पर भी नोटिस भेजे जाते हैं। अगर व्हाट्सएप पर डबल टिक, जो ब्लू टिक है वो आ गया, तो ये माना जाएगा कि आपका नोटिस रिसीव है। अगर मेल आपने ओपन कर ली है तो माना जाएगा कि नोटिस रिसीव है। कोर्ट भी इसको मानता है, कोर्ट में ये एडमिसिबल है। फिर भी किसी की जो पर्सनल समस्या है अभी बैठ के बात कर लेते हैं। सबसे मिलने की कोशिश करूंगा जिनके नोटिस आए हैं, जिनको कोई बड़ी दिक्कत आ रही है, पहले उनका समाधान कर लें, जिनकी प्रॉपर्टी फंसी हो। क्योंकि देखो, जिनकी प्रॉपर्टी एक बार फंस गई है ना, उसको नींद नहीं आ रही होगी, सच में। मैं समझ सकता हूँ उसका दुख दर्द। हाँ, मैं उसका दुख दर्द समझ सकता हूँ। बाकी मिलेंगे सबसे, मेरी टीम मिलेगी। जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है उन्हें उनका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो वित्त मंत्रालय में और पीएमओ में फाइल भेजी गई है, वो भी लेकर के जाना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है तो इसका मतलब या तो उसने फॉर्म मई महीने में भरा होगा, क्योंकि मई के फॉर्म अभी गए नहीं है, मई के फॉर्म अभी जाने वाले हैं, 10-12 तारीख को फॉर्म भेज देंगे वित्त मंत्रालय। अगर 30 अप्रैल या उससे पहले फॉर्म भरा है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा। बाकी मैं दोबारा आऊंगा, मुलाकात भी करेंगे। और यहाँ जो साथी टीम में काम कर रहे हैं, आप में से कई लोगों ने केंद्र खोला हुआ है। केंद्र क्या है? मेरा बैनर है,